हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम जो उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे कि उससे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन अपने। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट। ठीक है, तो एक दुकानदार है वो अपने 12% प्रॉफिट पर अपनी कोई वस्तु बेचता है। इफ ही सेल्स इट 18% मोर, अगर वो इसे ठीक है 18 रुपए अधिक में बेचे, 18 रुपए अधिक में मतलब सेलिंग प्राइस को कितना इंक्रीज कर दे, 18 रुपए से इंक्रीज कर दे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता है? प्रॉफिट परसेंटेज बढ़कर 18% हो जाता है। ठीक है, तो आपसे मांगे फाइनल कॉस्ट प्राइस, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 18 रुपीज। तो प्रॉफिट 12% से बढ़कर 18% हो गया। ठीक है, किसकी वजह से? सिर्फ 18 रुपीज की वजह से। अगर परसेंटेज में हम डिफरेंस देखें तो कितना आया? 12 से 18 आया 6% का डिफरेंस, और 6% का डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट होगा? 18 रुपीज के। तो यहां से बात समझ में आ चुकी है। तो 6% इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 18 रुपीज। तो 100% कितना होगा हमारा? 300 रुपीज। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये 100% होता है, 100% हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको ध्यान देना होगा। प्रॉफिट आपको 12% दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला था अगर सेलिंग प्राइस को हम इंक्रीज कर दें 18 रुपीज से, तो हमारा प्रॉफिट 18% हो जाता है। यानी कि 12 से 18% हुआ, यानी कि 6% क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। 6% इंक्रीमेंट हुआ 18 रुपीज की वजह से, दैट मींस 6% इक्वल टू क्या हो गया? 18 रुपीज हो गया। तो हम 100% आराम से निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? 100% ही होता है। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अ शॉपकीपर सेल्स एट 7% लॉस। ठीक है, 7% हानि पर बेचता है, तो यानी कि लॉस लिख लेते हैं। लॉस परसेंट हो गया हमारा 7%। ठीक है, इफ ही सेल्स ₹64 मोर, ये 64 रुपए अधिक में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस 64 रुपीज से इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या होता है? ही गेन्स 9% प्रॉफिट। तो 9% क्या कमाता है? लाभ कमा लेता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो गया 9%। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसका फिर फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो 7% से 9% तक का डिफरेंस। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले क्या था? ये अपना 7% प्रॉफिट था, अब ये लॉस है। तो लॉस 7% से बढ़कर प्रॉफिट हो गया 9%, यानी कि हमारे इस 64 रुपीज ने पहले लॉस कवर किया गया 7%, और उसके बाद हमें 9% का प्रॉफिट दिलाया, यानी कुल कितना हो गया? 16%। या फिर आप इसे कह सकते हैं 7% को, अगर आप प्रॉफिट के टर्म में कहना चाहें इसको, प्रॉफिट की टर्म में इसको आप कहना चाहें, तो आप क्या कह सकते हैं? -7%। सिंपल सी बात। तो -7 से 9 तक, ठीक है, हमारा डिफरेंस कितना होगा? तो -7 से लेकर +9 तक हमारा डिफरेंस कितना होता है? 16। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो -7 से 9 तक कितना हुआ? 16%, और 16% इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 64 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है? सीपी, यानी कि 100% का 100% कितना हो जाएगा हमारा? तो 64 रुपीज 16% की इक्विवेलेंट था, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो डिवाइड बाय कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा आ गया 400 रुपीज। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% लॉस। इफ ही बायज इट फॉर 20% लेस एंड सेल्स इट फॉर ₹55 मोर, देन ही अर्न्स 40% प्रॉफिट। देन फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो क्वेश्चन का थोड़ा देख लेते हैं कैसे लिखते हैं इसको। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% लॉस। तो मान लेते हैं 100 रुपए क्या था उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, 10% लॉस पर बेच रहा है वो, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 90 आया। क्या हुआ? अब ये कहानी है इसकी कि अगर कहता है कि यदि इसे वो 20% लेस में खरीदता, यानी कि न्यू कॉस्ट प्राइस हमारा कितना? 80। ठीक है, और इसे कितने बेचता? 55 रुपए अधिक में बेचता, तो इसे कितना प्रॉफिट हो जाता? 40% का। ठीक है, 40% प्रॉफिट होता, दैट मींस वो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 40% कितना हो गया? 32। ऐड कर देते हैं 112, ये आ गया न्यू सेलिंग प्राइस। आपको पता है कि उसने का जो सेलिंग प्राइस और डिफरेंस है वो कितना है? 55 रुपए उसने दे रखा था,
कि वो 55 रुपये अधिक में बेचता, तो ये हो गया 55 रुपये। यानी जो सारे रेशियोज थी, तो रेशियो में 112/90 का डिफरेंस कितना होगा 55 रुपये, तो लेस कर देते हैं। कितना आ गया हमारा 22:55 रुपीज, हमें निकालना है 100। ठीक है, तो 250 रुपीज हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, सिंपल सी बात। तो इसको ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम्स में, और इन डायग्रामेटिक वे से करोगे तो भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अपना। इफ अ शॉपकीपर सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड एट वन एट 12% प्रॉफिट एंड अदर एट 8% लॉस, इफ द कॉस्ट प्राइस आर सेम देन टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन को जरा मैं लिख देता हूं। तो दो ऑब्जेक्ट सेल किए जा रहे हैं, ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट में जो पहला ऑब्जेक्ट है वो किया जा रहा है आपका 12% प्रॉफिट पर, और दूसरा जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है 8% लॉस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है इनका, सेम है, कॉस्ट प्राइस आर सेम। ठीक है, सिंपल सी बात। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। अगर हम बेसिक से चलें तो बहुत आसान होगा, तो एक बार बेसिक से देख लेते हैं फिर इसको करेंगे तरीके से क्या होते हैं, सकते हैं इसमें ट्रिक। 12% प्रॉफिट पर सेल किया उसने, अगर मैं इसका रेशियो सॉल्व करूँ, अगर मैं इसका सीपी मानूँ कितना है 100 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो गया 12 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस सेम है तो मुझे इसका भी सीपी कितना मानना पड़ेगा 100 रुपीज, तो लॉस कितना हो गया मेरा 8 रुपीज हो गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस देखते हैं ना, टोटल कॉस्ट प्राइस आया मेरा 100 + 100 = 200। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट 12 हुआ, लॉस हुआ 8 रुपये, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट ही होने वाला है मेरे को इस केस में। तो 12 रुपये आए और 8 गए, तो यानी कि 4 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सी बात, रेशियो बना देते हैं इसको, परसेंटेज कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, बट टोटल 200 रुपये कॉस्ट, 4 रुपये। ठीक है, ठीक है, यानी कि 2% पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात। ये पूरी कहानी समझ आई। अब इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे ना करके हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको जब ध्यान से देखना। अब देखो, जब कॉस्ट प्राइस आपका सेम होता है, कॉस्ट प्राइस अगर क्या होता है आपका सेम होता है किसी भी वस्तु का, तो फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है अलग अलग जो होता है, और जो मेन होता है, ठीक है, यानी कुल टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, वो होगा एवरेज, एवरेज ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है, परसेंटेज, उनका जो भी एवरेज होगा वही क्या होगा आपका, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होगा। जरा देख लेते हैं, तो यहां पर कितना था, पहले केस में प्रॉफिट था हमारा 12%, दूसरे केस में हमारा लॉस था 8%, तो 8% ऑब्वियसली बात है क्या होगा, लेस होगा, तो नेगेटिव प्रॉफिट भी कह सकते हैं उसको। अब दो आइटम का तो एवरेज उसे डिवाइड होगा, ये आपका क्या होगा, टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो कितना हो गया 4% डिवाइड बाय 2, तो आ गया 2%। ठीक है, एग्जैक्ट आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस सेम हो, तो आपको क्या करना है, फुल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, एवरेज निकालना है, सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पर्सन परचेज सम गुड्स फॉर ₹5200, ठीक है, 5200 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। He sells to buy third part at 6% profit. उसका 2/3 भाग और 6% लाभ पर बेचता है। How much percentage he should sell remaining to gain overall 12% profit? तो बाकी वो कितने परसेंट बेचे ताकि उसे overall 12% का profit हो? तो अपन क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। तो पर्सन परचेज कर रहा है गुड्स कितने की? तो टोटल कॉस्ट प्राइस 5200। ठीक है, सिंपल। आगे he sells to buy third part at 6% profit. तो 2/3 इसका 2/3 भाग वो बेच रहा है कितने पर, 6% लाभ पर, यानी 6% प्रॉफिट। आगे चलते हैं, रिमेनिंग वाला, ठीक है, वो कितने पर बेचे, रिमेनिंग हो गया आपका 1/3, कितने बेचे ताकि आपको प्रॉफिट कितना हो,
12% ओवरऑल। अब ये वाली कहानी है, अब ध्यान से देखना जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 2/3 पार्ट है या 1/3 पार्ट है, यानी कि अगर हम मान लें कि हमारे पास कितनी वस्तु है, 3 वस्तु, और 3 वस्तु मानेंगे तो हमारे पास ठीक है हर एक का प्राइस कितना हो जाएगा, हम यहाँ से ना जाए सिंपल देखो दिक्कत होगी यहाँ पर क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरा हमें परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालना तो इसको रहने देते हैं ठीक है। हम मान के चलते हैं हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो 3 से डिवाइड होगा यानी कि प्राइस क्या आने वाला है, इक्वली आने वाला है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया सबका, कॉस्ट प्राइस हो गया सेम। जब कॉस्ट प्राइस सेम हो गया तो हम देखते जाए तो दो पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 6% पहले पे और 6% दूसरे पर, सिंपल सी बात। तीसरे पे हमें पता नहीं है तो उसको हम मान लेते हैं भाई चलो x परसेंट हो गया होगा प्रॉफिट या जो भी है ठीक है। डिवाइड बाय अगर 3 करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 12% प्रॉफिट आना चाहिए, सिंपल सी बात। तो जिनको एडजस्ट कर देते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 12% प्लस x परसेंट 36 और ये हो गया आपका 24 ठीक है, सिंपल सी बात। तो बात समझ में आ गई आपको, तो यहाँ पर ऐसे अमाउंट का ठीक है हमें कुछ नहीं करना था ठीक है, अमाउंट दिया हो चाहे ना दिया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है, तो इसको डिवाइड करने से रहने देते हैं, और वैसे जो कट नहीं रहा था तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस तरीके से करना, और आना आंसर आपका सेम ही है। तो ये बात मैं दोबारा समझा देता हूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस आपको कुछ भी वस्तु का उसके आप 3 पार्ट करो तो कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। हमने मान लिया कि 3 वस्तुएं हमारे पास, तीनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, तो 2 पे हमें 6% प्रॉफिट हो रहा है, 1 पर नहीं पता हमें लेकिन ओवरऑल कितना होना चाहिए, 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐड करते हैं बराबर, एवरेज निकालते हैं, 12% के बराबर आना चाहिए और हमारा एक्स की वैल्यू 24% आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसी टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं ठीक है। अ शॉपकीपर परचेज सम गुड्स फॉर रुपीज 8000 ठीक है, तो 8000 में ठीक है वो गुड्स परचेज कर रहा है। आगे 1/4 पार्ट ही सेल्स एट 20% लॉस, 1/4 भाग ठीक है वो 20% लॉस पर बेचता है ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच परसेंट ही शुड सेल द रिमेनिंग पार्ट सो दैट ही गेट्स ओवरऑल 10% प्रॉफिट, तो बाकी 3/4 बचेगा कितने परसेंट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाए, ओवरऑल हो जाए 10% प्रॉफिट। तो जो मेथड हमने सीखा ठीक है उसी पे काम कर सकते हैं, तो अमाउंट को हम छोड़ देते हैं, अमाउंट से भी कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज पूछा है उसने, तो यहाँ पर आपका ठीक है 4 है और यहाँ पर भी ठीक है, यानी कि मान लिया हमें कितनी वस्तुएं हमारे पास, 4 वस्तुएं, 4 वस्तुएं तो 1 पर कितना लॉस हो रहा है हमें 20% का, तो -20, बाकी 3 पे हमें पता नहीं है, तो आप चाहे तो ठीक है एक्स लिख सकते हैं या फिर आप 3x% लिखते तब भी काम चल जाता ठीक है ना। और डिवाइड किससे करना है आपको, 1, 2, 3, 4 ठीक है, 4 वस्तुएं मानी थी और बराबर किसके आएगा 10% के, जो कैलकुलेशन कर देते हैं 40 और ये अपना हो जाएगा 60 ठीक है भाई, और ये हो गया आपका 20%, सिंपल सी बात। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर ठीक है कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, अगर आपका ठीक है 1/4, 3/4 इस तरीके से करके दे रखा है तो हम क्या मान सकते हैं भाई कितनी वस्तु हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, जिस तरीके से भी आपको दे रखा है उस तरीके से आपको इनको मानना होगा, तो काफी आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं इसी टाइप का ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास ठीक है, अ पर्सन सोल्ड 2/3 ऑफ हिज गुड्स एट 5% प्रॉफिट, 2/3 गुड बेच रहा है वो अपना ठीक है कितने पर, 5% प्रॉफिट पर ठीक है, रिमेनिंग एट 2% लॉस, रिमेनिंग कितना बच गया 1/3 एट 2% लॉस ठीक है। इफ ही गेन्स 400 rupees प्रॉफिट ठीक है, देन व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ठीक है, ओवरऑल गेन यानी टोटल प्रॉफिट उसका जो हो रहा है ठीक है वो कितना हो रहा है 400 rupees हो रहा है, और आपसे मांगा है कॉस्ट प्राइस ठीक है। तो बात वही है ठीक है, फ्रैक्शन में चीजें आ गई है, तो अब फ्रैक्शन आपको चीजें आ गई तो आपको क्या मिल जाएगा इससे, अगर आप इसे कैलकुलेट क्या कर सकते हैं नेट उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना है ठीक है, सिंपल से परसेंटेज में आपको वैल्यू आएगी रुपीज के इक्वल रखकर हम उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जरा कैसे निकालते हैं इसका, तो 3 वस्तुएं हमारे पास हैं, 3 में से 2 पर 5% का प्रॉफिट हुआ, तो 1 पर 5% और दूसरे पे भी 5%, तीसरे पर हमें लॉस हुआ 2% का, तो 2% हम लेस कर देते हैं और एवरेज के लिए 3 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं।
तो देखिए कितना हो गया, 510 दस में दो गए तो 8/3%, ये हमारा हुआ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगा, रुपीज के 400 के, तो 8/3% इज इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है, काट दो, ठीक है, कितना हो गया हमारा 15,000 रुपये, यानी कि 100% 15,000 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 15,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है, इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन और इसी टाइप का, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। अ पर्सन सोल्ड 2/3 पार्ट एट 30% प्रॉफिट, 1/4 पार्ट 16% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 12% प्रॉफिट, इफ ही गेन 75 रुपीस देन व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अ पर्सन सोल्ड 2/3 बेच रहा है वो 30% प्रॉफिट पर, 30% प्रॉफिट पर, 1/4 एट 16% प्रॉफिट। ठीक है, एंड रिमेनिंग 12% प्रॉफिट। और ये है उसका प्रॉफिट है ₹70 पर, कॉस्ट प्राइस में निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है दिक्कत है ना, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम उसका ठीक है एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 बनाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी बात। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो 8/3 11, तो यहाँ बचेगा 1/12, यानी कि टोटल कितनी 12 उस पर हो गई, 8 बेची आपने 30% पे, 3 बेची आपने 16% प्रॉफिट पर, 1 बेची 12% प्रॉफिट पे। तो जरा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 8 बेची आपने 30% प्रॉफिट पे, तो 8 × 30% कर देते हैं, प्लस 3 बेची आपने 16% प्रॉफिट पर और 1 बेची आपने 12% प्रॉफिट पर, डिवाइड बाय, ठीक है, आपका होगा कितनी उसकी थी हमारी 12, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट आएगा। तो उसको जो काट देते हैं, ठीक है, कॉमन ले काट दो, कैसे भी काट दो, तो 4 से काट रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी कॉमन आना, 3 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, ठीक है, जो बच गया वो लिख लेते हैं, 10×2 कितना हो जाएगा 20%, 4% और प्लस 1%, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया 20×4=24, तो आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो तब भी इतना ही आना है, ठीक है, आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन, आपकी कला है, ठीक है, आपका आर्ट है, जैसे मर्जी करें, 25%, ठीक है, आपका क्या आ गया ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया, जो किसके बराबर होगा 75% के, सॉरी 75 रुपीज़ के। तो आपको पता है, ठीक है, 100% आप कितना हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लिकेशन यानी कि 300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। By selling an object at ₹400, a person gets 20% loss. How much price he should sell it so that he gets 40% profit? तो एक ऑब्जेक्ट को 400 में बेचने पर, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस आपका 400 रुपये है, ठीक है ना, तो लॉस कितना होता है उसको 20%, जो ज्यादा 20%। How much price he should sell so that he gets 40% profit? तो ये तो एक कहानी रही, ठीक है, दूसरा वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए नेक्स्ट उसका, यदि उसका जो प्रॉफिट है परसेंटेज वो कमाना चाहे कितना 40%, ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन में आपको ये तो पता है कि कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या होना चाहिए, भाई सेम ही होगा, सिंपल सी बात है, एक ही वस्तु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी हमारे कितने परसेंट के बराबर हो गया, तो सीधा परसेंटेज आएंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, 20% लॉस के साथ, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा ये 80%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, प्रॉफिट कमाना है तो कितना हो जाएगा 140%, तो बात समझ में आ गई, ठीक है आपको। तो 400 जो है, ठीक है, वो कितना है 80%, हमें कितना निकालना है 140%, तो सिंपल हमारा, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा 140% कॉस्टिंग का, तो 400 हमारा सेलिंग प्राइस है, 80% डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का हमें कितना करना है 140%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, ठीक है,
मास्टर पे हमारा क्या होगा,